हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने अपने फोर्थ चैप्टर में मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में लॉरेंट्ज़ फोर्स के बारे में डिस्कस किया था और मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हमारा एक और टॉपिक आएगा, उसको हम डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक होगा साइक्लोट्रॉन। ठीक है, कल हम क्या कर रहे थे, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल पढ़ रहे थे। ठीक है ना, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसमें क्या था, आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड था जिसको हमने इनवर्ड डायरेक्शन में रिप्रेजेंट किया था, इन द इनवर्ड डायरेक्शन टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। ठीक है, अब इस मैग्नेटिक फील्ड में आपके पास एक चार्ज आ रहा था मोशन करते हुए, इसकी ये वेलोसिटी थी। इस चार्ज पर इस डायरेक्शन में फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा था, तो आपने इसको ऊपर घुमाया, फिर फोर्स अंदर की तरफ आया और ऐसे करते हुए ये एक सर्कुलर मोशन में लगातार रिवॉल्व कर रहा है। ये किसकी डायरेक्शन है, फोर्स की अलग अलग डायरेक्शन है, और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन हमेशा वी के क्या है, परपेंडिकुलर है। और जब फोर्स की डायरेक्शन मोशन के परपेंडिकुलर होती है तो उस फोर्स के द्वारा नेट किया गया वर्क डन पार्टिकल पे कितना होगा, जीरो होगा। वो हमने कल आपको बताया था कैसे जीरो होगा। ठीक है, अब नेट वर्क डन जीरो, तो इसकी मोशन सर्कुलर है। सर्कुलर मोशन का कल हमने डेराइव किया था इसका टाइम पीरियड क्या था, टी। ठीक है, टाइम पीरियड की वैल्यू क्या थी, वही यहाँ पे टाइम पीरियड की वैल्यू थी आपने 2πr/v से डेराइव किया था, और 2πr/v, v का जो आपने फॉर्मूला लिखा था वो था qbr/m। तो यहाँ पर आपके पास आ गया 2πm/qb, ये आपके पास वैल्यू आ गई थी इसकी टाइम पीरियड की। जब ये टाइम पीरियड की वैल्यू है और इससे आपने डेराइव किया था फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आई थी आपके पास, qb/2πm, यह आपके पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई। यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी होगी क्या, कि इस टाइम पीरियड के फॉर्मूले में और फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में कोई भी टर्म v की नहीं है, यानी वेलोसिटी की यहाँ पर कोई भी टर्म नहीं है। और जब वेलोसिटी की यहाँ पर टर्म नहीं है, तो आप ये डायरेक्टली कह सकते हो कि टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी और स्पीड। ओके, स्पीड और वेलोसिटी की क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा कौन, टाइम पीरियड एंड इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन, ये सारा इसके इंडिपेंडेंट होगा। तो ये आपके सामने क्या आ गया, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल के लिए आ गया। अब हम इसी प्रिंसिपल को यूज करते हैं आगे, इसके लिए थोड़ा सा और आगे डिस्कस करते हैं हम। इस कंडीशन में एक विशेष स्पेशल केस है, क्या है कि एंटर करने वाला चार्ज पार्टिकल हमेशा, यानी कि v की वैल्यू और b, इन दोनों की डायरेक्शन हमेशा एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है या फिर 90 डिग्री पर है, ये आपको पता है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसके आगे बात करें कि जब ये 90 डिग्री के अलावा भी कुछ वैल्यू हो सकती है क्या, अगर वैल्यू 90 डिग्री ना हो, 30 हो, 60 हो, ऐसी वैल्यू हो कोई, तो कैसे कैसे काम चलेगा, या तो कैसे वैल्यू होगी इसकी। ठीक है, तो अगर इसका एंगल 90 डिग्री के अलावा कुछ भी होगा तो वैल्यू क्या आएगी, देखो सपोज हमारे पास ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, बी है ये। अब मैग्नेटिक फील्ड हम रिप्रेजेंट तो हमेशा वैसे करते हैं, या तो इनवर्ड या फिर आउटवर्ड, लेकिन कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर हम इस मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल लाइंस में भी कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है ना, ये हमारे पास एक एक्स डायरेक्शन हो गई, ये वाई डायरेक्शन हो गई, और ये एक जेड डायरेक्शन ले लिया हमने। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर कोई पार्टिकल है वो इसमें थीटा एंगल पर एंटर कर रहा है, 90 डिग्री पर नहीं कर रहा है, इस बार थीटा पर कर रहा है, विच इज लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, थीटा पर जब ये एंटर कर रहा है, तो अब यहाँ पर इस पार्टिकल पे, इस चार्ज पार्टिकल पे जो कि वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है इसके अंदर, इस पे दो टाइप के फोर्स लगेंगे,
ठीक है, जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उसके दो कंपोनेंट होंगे। पहला कंपोनेंट तो होगा जो इसके मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, यानी इस बी की डायरेक्शन में इसका एक कंपोनेंट होगा, वो क्या होगा, वी पैरेलल। हमने इसको वी पैरेलल कंसिडर कर लिया, ठीक है ना, डबल लाइंस, ये पैरेलल लाइंस है, ठीक है ना। दूसरा इसका कंपोनेंट होगा एक इस डायरेक्शन में, ये हो गया वी परपेंडिकुलर, ये तो वी है तो ये वी पैरेलल हो गया। वी पैरेलल कितना होता है, हमेशा याद रखना, जहां पर ये एंगल बनता है तो ये कंपोनेंट, इसका एंगल बनने वाला कंपोनेंट हो जाएगा वी कॉस थीटा, ठीक है। और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है, यहां पर जो ये थीटा बच गया, ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, वी साइन थीटा हो जाएगा, ये वी परपेंडिकुलर। और अब इसकी मोशन कैसे होगी, अब इसकी मोशन भी दो कंपोनेंट है तो दोनों कंपोनेंट के कारण होगी, और दोनों कंपोनेंट के कारण मोशन क्या दो टाइप की होगी। कैसे, ये जो पैरेलल कंपोनेंट है इसके कारण इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, ठीक है, अगर ये इसके पैरेलल कंपोनेंट आगे बढ़ रहा है तो इसके कारण फोर्स कितना लगेगा, इसके कारण इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि पैरेलल कंपोनेंट बी की ही डायरेक्शन में है। और किसी भी चार्ज पार्टिकल पर F इज इक्वल्स टू कितना होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। अगर ये पैरेलल आता तो थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाता है, जीरो डिग्री हो जाता है, और यहाँ पर वैल्यू हो जाती है क्यू वी बी इंटू साइन जीरो इज इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है। तो पैरेलल कंपोनेंट के कारण कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, और कोई भी फोर्स नहीं लगेगा इसका मतलब क्या हो गया, ये बिना डेविएट हुए आगे, यानी कि एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन करने की कोशिश करेगा, कौन से कंपोनेंट के कारण, पैरेलल कंपोनेंट के कारण। लेकिन अब जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इसके कारण क्या होने वाला है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण होने वाला है वही केस जो हमने डिस्कस किया था अभी। और इस केस में क्या है, क्या दिखाई दे रहा है आपको, कि जैसे ही परपेंडिकुलर आ रहा है रिवोल्यूशन करेगा, तो इसके कारण तो ट्रांसलेशनल मोशन होगी, और इसके कारण कौन सी मोशन होगी, रिवोल्यूशन होगा। तो ये अब इस तरीके से आगे मोशन करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण तो ये सर्कुलर होगा, ऐसे सर्कुलर पाथ पर ट्रेवल करेगा, और पैरेलल कंपोनेंट को आगे की तरफ बढ़ाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे मोशन करेगा, जैसे कि आपकी जो स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग पर आप एक एंड पर टिप लगाओ, पेन की टिप लगाओ और उसको घुमाओ आप, तो घुमाते घुमाते आप क्रॉस कर जाओगे, तो ये वैसा ही केस है, ठीक है ना। ये इस मोशन को आप क्या बोलते हो, हेलिकल मोशन। और हेलिकल मोशन इज ड्यू टू बोथ द कंपोनेंट्स, दोनों कंपोनेंट्स की कारण है ये मोशन, ठीक है ना, हेलिकल मोशन। अब इस हेलिकल मोशन का अगर आप टाइम पीरियड कैलकुलेट करोगे, आप किसकी अगर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करोगे, तो इनकी वैल्यूज क्या आने वाली है, इनकी वैल्यू सेम आने वाली है, ठीक है, टाइम पीरियड की और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पे सेम आएगी, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा यहाँ पे। लेकिन इसमें आपके लिए एक अदर जो क्वांटिटी वो इम्पोर्टेंट वो ये है, ये कि भी एक रिवोल्यूशन कर रही है ये यहाँ पर है, फिर दूसरा रिवोल्यूशन जब स्टार्ट होगा तो ये इतने में यहाँ पहुँच जाएगी, तो दोनों कंसेक्यूटिव रिवोल्यूशन के बीच में, यानी एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करने के लिए इसको ट्रांसलेशनल कितने डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, उसको आप क्या आप कहोगे, ये एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हो इसको, और या इसको आप पी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि इसको क्या कहा जाता है, पिच कहा जाता है, ठीक है ना। ये पिच आप एक ईजी वे में अगर आप इसको देखना चाहते हो, तो आप जब स्क्रूड जो होता है ना, स्क्रू के लिए आप देखना, कभी भी एक उसके किसी भी एक पॉइंट पर आप पेन की टिप लगाओ, उसको घुमाओ, जितने में वो क्या होगा, दो लगातार जो इसके कंसेक्यूटिव जो वहाँ पे वो उसकी जगह होगी, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस वो क्या है, पिच होगी। और एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में वो स्क्रू उतना ही या तो अंदर जाएगा, अगर ऑपोजिट घुमाएंगे तो वो उतना ही क्या आएगा, बाहर आएगा, ठीक है। तो ये पिच हो गई, तो पिच के लिए क्या फॉर्मूला आ जाएगा, पिच के लिए आ जाएगा एक तो टाइम पीरियड, क्योंकि पिच के कंप्लीट करने के लिए इसको कंप्लीट पूरा रिवॉल्यूशन करना पड़ेगा, और इतने रिवॉल्यूशन में टाइम कितना खर्च हो रहा है, टाइम पीरियड के बराबर खर्च हो रहा है, इनटू फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन कितनी है,
फॉरवर्ड डायरेक्शन वेलोसिटी कौन सी हो गई, वी पैरेलल, ये वी पैरेलल आ गई, ठीक है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपके पास 2πm/qb, और वी पैरेलल कितना है, वी कॉस थीटा, दोनों को एक साथ कंबाइन करके लिख दो 2πm/cos θ/qb। तो ये क्या हो गया आपके पास, पिच की वैल्यू हो गई, पिच ऑफ हेलिकल मोशन, ठीक है ना। इतना आप इसमें ध्यान में रखोगे तो आपका ये काम मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल हो जाएगा इन मैग्नेटिक फील्ड। अब हमारे पास क्या है यहाँ पे, इसका एक डिवाइस होता है इस प्रिंसिपल पे काम करने वाला, उस डिवाइस के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, और वो डिवाइस होगा साइक्लोट्रॉन, ठीक है। कौन सा डिवाइस है, वो साइक्लोट्रॉन डिवाइस है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए और बहुत ही इजी भी है, ठीक है। उसमें अगर आपको ये मोशन समझ में आ गई ना, उसके बाद वहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, किस में नहीं होगी, साइक्लोट्रॉन में नहीं होगी, ठीक है। देखो साइक्लोट्रॉन बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डिवाइस है आज के टाइम का, क्योंकि ये डिवाइस चार्ज को एक्सेलरेट करने के काम आता है, चार्ज की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने के काम आता है, ठीक है ना। ए डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, और यू कैन से हैवी चार्ज पार्टिकल इज नॉन एज ए साइक्लोट्रॉन। इट यूजेज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। ये इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को और मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करता है चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए, दोनों को यूज़ करता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या होगा, कंस्ट्रक्शन में देखो यहाँ पर दो इस टाइप की शेप की स्ट्रक्चर होंगी, जिनको आप डीज कह सकते हो, डीज, ओके, इनको ऐसे भी आप लिख सकते हो डीज, टू डीज आर देयर, एक डी हो गई, दूसरी डी हो गई, दो डीज हो गई यहाँ पे, ठीक है। इन डीज के ऊपर, यानी इन जो डीज है इनको आप क्या कर रहे हो, एक ऐसे जैसे ऊपर ऊपर एक पोल हो गया, नॉर्थ पोल ले लिया आपने, नीचे साउथ पोल ले लिया, और उसके बीच में आपने ये दो अलग अलग डीज रख दी, इस तरीके से, इस तरीके से रखना आपको, ठीक है ना, दिखाई दे रहा होगा आपको इस तरीके से, ठीक है। तो ऊपर आपको क्या रखना होगा, एक नॉर्थ पोल रखना होगा, और नीचे क्या रखना होगा, एक साउथ पोल रखना होगा। इससे क्या होगा, यहाँ पर ऊपर से लेकर नीचे की डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है। वैसे अगर हम देखा जाए तो ये इसका क्रॉस सेक्शन देख पाएंगे हम इसको, और क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो ये इसको इस तरीके से नहीं होगी, ये इसको थोड़ी लेटी हुई रहेगी इस डायरेक्शन, इस तरह जो मेरा हाथ की हथेली है इसके अकॉर्डिंग रहेगी, ठीक है। ऊपर नॉर्थ पोल, नीचे नॉर्थ पोल, तो आपको ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। थ्री डायमेंशन डायग्राम हम टू डायमेंशन में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको जो मैग्नेटिक फील्ड दिखेगा वो इस तरीके से दिखेगा थोड़ा। ये आपके पास क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। थोड़ा क्लियर बनाना, क्लियरली देखना, ध्यान देना पड़ेगा आपको इसमें, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, आपको यहाँ पर इन दोनों डीज के साथ में एक ऑसिलेटर लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्या बोला मैंने, ऑसिलेटर, ऑसिलेटर क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी एसी सोर्स, ऐसा अल्टरनेटिंग सोर्स होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई होगी, लगभग 10^5 या 10^6 के आसपास इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है ना। वो ऑसिलेटर लगाना है जिससे कि ये बहुत रैपिडली अपनी जो पोलरिटी है वो क्या कर सके, चेंज कर सके। एक बार किसी टाइम के लिए मान लिया मैंने ये वाला क्या है, ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव है, ये वाला, और ये वाला टर्मिनल क्या है इसका, नेगेटिव है, एक बार के लिए मान लिया, तो इसके सेंटर में एक चार्ज पार्टिकल का सोर्स रखा होगा, ठीक है ना। अब जैसे ये सोर्स होगा यहाँ पर, अब इसकी वर्किंग स्टार्ट हो गई है, कंस्ट्रक्शन इसका इतना ही है, दो डीज है, ऊपर नॉर्थ पोल नीचे साउथ पोल रखा हुआ रहेगा, जिससे कि डीज के अक्रॉस होते हुए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सके।
फिर इन दोनों डीज के साथ में हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग सोर्स लगाओगे, जिसको आप ओसिलेटर भी कहते हो, ठीक है। अब इसका वर्किंग, वर्किंग में देखो क्या आएगा, यहां पर इन दोनों डीज के बीच में जो चार्ज पार्टिकल का एक सोर्स रखा हुआ है, जिससे चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस होंगे, इमिट होंगे। फॉर एग्जाम्पल प्रोटॉन्स इमिट होंगे या फिर अल्फा पार्टिकल इमिट होगा। मान लिया प्रोटॉन इमिट हो रहा है, तो प्रोटॉन जैसे इमिट होगा यहां से, तो इस प्रोटॉन पर इस नेगेटिव चार्ज के कारण एक इधर फोर्स लगेगा, ठीक है। जब इधर फोर्स लगेगा तो अब ये किस में आ गया, डी में आ गया। अब डी में कौन है, मैग्नेटिक फील्ड है। अब जैसे ही डी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा इसको, तो ये क्या करेगा, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, कैसे, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, नहीं सॉरी, ये इसकी मोशन है, क्योंकि मोशन पहले आएगी ना, तो ये इसकी मोशन होगी इस डायरेक्शन में, मैग्नेट फील्ड अंदर की तरफ है, तो ऊपर फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। तो ये वाला जो चार्ज पार्टिकल है, ये ऊपर की तरफ मोशन करना स्टार्ट करेगा, और जैसे ही ये पार्टिकल इस डी के इस एंड पे आएगा दोबारा घूम करके, इतने में ये जो नेगेटिव था ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये जो पॉजिटिव था ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो अब ये इसको एक्सेलरेट करके इसको इधर ले आएगा, ये अट्रैक्ट करके, और जैसे इसके अंदर है इतने में फिर से कौन है, मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड मिलते इसको ये क्या करेगा, सर्कुलर मोशन दे देगा, और फिर इतने में ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव, यानी कि ये क्या करेगा, अपनी ऑसिलेशन करता रहेगा ना, तो ये पोलरिटी चेंज कर देगा और फिर से ये एक्सेलरेट होकर इधर आ जाएगा, और यहाँ पर फिर से मैग्नेटिक फील्ड के कारण रिवॉल्यूशन करेगा, और फिर ये लगातार यहाँ पर एक्सेलरेट होकर लगातार ऐसे रिवॉल्व करते हुए अपनी रेडियस को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और एक टाइम के बाद जब ये रेडियस इन डीज के लगभग बराबर है, इससे भी ज़्यादा हो जाएगी, तब ये क्या करेगा, बाहर इसको किसी टारगेट पर इंसिडेंट करवा दिया जाएगा, ठीक है ना, जो भी टारगेट को उसके ऊपर बम्बार्ड करवा सकते हो आप इसको, ठीक है ना। अब देखो इसकी रेडियस क्यों इंक्रीज हो रही है लगातार, ये आपने ध्यान दिया होगा, जैसे ये यहाँ आया इसको एक्सेलरेट मिला, एक्सेलरेट करने के लिए ओसिलेटर ने काम किया, तो एक्सेलरेशन मिलते इसकी स्पीड इंक्रीज हुई, स्पीड इंक्रीज होते इसका रेडियस इंक्रीज होगी ही होगी, ठीक है। अब इसको हमें केवल क्या करना है, एक्सप्लेन करना है इसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इस पर ध्यान देना, ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है ना, फॉर्मूला डेरिवेशन है ये। अब देखो इसको एक कांस्टेंट पाथ में मोशन करने के लिए क्या चाहिए, एक तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, वो क्या होगा, क्यू वी बी साइन थीटा, लेकिन यहां पर थीटा इक्वल्स टू कितना है, 90 है, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, यानी कि 1, ठीक है ना, ये थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि 90 डिग्री है ये, ठीक है। अब देखो इसके बाद ये मैग्नेटिक फोर्स हो गया, इस पार्टिकल को एक कॉन्स्टेंट पाथ में ट्रेवल करने के लिए, मोशन करने के लिए आपको क्या चाहिए, एफ सी सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए, वो कितना होगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, दोनों को इक्वल कर दो, क्यू वी बी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, वी से वी कैंसिल आउट, आपके पास क्या बचेगा, वी इक्वल्स टू क्यू बी आर अपॉन एम, हो गया ना, क्यू बी आर इधर आ जाएगा और एम ये एम नीचे आ जाएगा, इसके वी एज इट इज रह जाएगा, क्यू बी आर अपॉन एम, यहाँ से आप आर की वैल्यू भी फाइंड आउट करके रख लो अगर कभी जरूरत पड़े तो। तो ये हो जाएगा आर इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू बी, ठीक है। आपको क्या चाहिए, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड की वैल्यू क्या, फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड या वेलोसिटी, तो यह आ जाएगा टी इक्वल्स टू डिस्टेंस टू पाई आर, टू पाई आर कौन सी, ये वाली टू पाई आर, ठीक है ना, रिवॉल्यूशन, स्पीड कितनी है, वी है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू रख दो यहाँ से किसी एक की वैल्यू रख दो, आर या वी में से किसी एक की वैल्यू रख दो, मैं यहाँ पर वी की वैल्यू रख देता हूँ, ठीक है ना, तो वी की वैल्यू है क्यू बी आर इंटू
एम, आर से आर कैंसिल आउट, आपके पास टाइम का फॉर टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आ गया, टी इज इक्वल्स टू 2πm अपॉन qb, ठीक है, 2πm अपॉन qb, ये आपके पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया। टाइम पीरियड आपको पता ही है लास्ट टाइम की तरह ही कि भी ये किसके, यहाँ पर कोई भी v की टर्म नहीं है, वेलोसिटी की टर्म नहीं, इसका मतलब वेलोसिटी और स्पीड पर डिपेंड नहीं करेगा टाइम पीरियड, इसके लिए क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। अगर आपको यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी हो तो क्या जाएगा, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, न्यू इक्वल्स टू वन अपॉन कैपिटल टी, विच इम्प्लाइज फ्रीक्वेंसी इक्वल्स, इसको ऑपोजिट कर दो, क्यू बी अपॉन टू पाई एम, ये वैल्यू आ गई। अब इसमें आपको एक चीज़ और फाइंड आउट करनी हो सपोज अगर बाय चांस, तो इसमें और वैल्यू क्या आ जाएगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हो तो 2 पाई न्यू हो जाएगा, ठीक है, और 2 पाई न्यू क्या आ जाएगा, 2 पाई इंटू न्यू, न्यू ये रहा, क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट, क्यू बी अपॉन एम, ये क्या हो गया, आपके पास इसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी हो गई। एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बाद एक चीज़ और फाइंड आउट करनी होती है इसकी, क्या है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वन बाई के इक्वल्स टू वन बाई टू एम वी स्क्वायर, ठीक है, के इक्वल्स टू वन बाई टू एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पर आप क्या करो, एम तो एज इट इज रहने दो और वी की वैल्यू रख दो, वी की वैल्यू कहाँ पर है, देखो ये रही, ये वाली v की वैल्यू रख दो यहाँ से, तो आपके पास आ जाएगा q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, m की एक पावर से एक पावर कैंसिल आउट, तो ये क्या हो जाएगा, q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 2m, ये आपके पास इसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, किसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, साइक्लोट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, ठीक है ना। आज हम इसको काइनेटिक एनर्जी तक ही पढ़ेंगे, और काइनेटिक एनर्जी में आपको पता है कि आर की स्क्वायर की टर्म है, आर पर डिपेंड कर रही है, जितनी ज़्यादा रेडियस होगी पार्टिकल की उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी ये गेन कर सकता है एक टाइम, एक बार में, ठीक है ना। तो इसको आप स्टडी करें, इसके बाद में आपका केवल इसकी एक छोटा सी पार्ट हो रही साइक्लोट्रॉन का लिमिटेशन है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है ना, वो आपका कल मिल जाएगा आपको, आज अभी तक इतना करें। इनमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, एक तो टाइम पीरियड है, इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, फ्रीक्वेंसी है इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, और साथ में कौन है, काइनेटिक एनर्जी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसमें बहुत कम पूछी जाती है, लेकिन अगर फिर भी बाय चांस अगर पूछी जाए तो आपके सामने ये अवेलेबल है, ठीक है, आज के लिए इतना ही।